दोस्तों, मैं मोहम्मद सरफराज, मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं में भारत भूगोल संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ लिया। आज से हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे हिमालय। तो हिमालय में सर्वप्रथम पहला जो चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिमालय उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में दो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक है भूसन्निधि सिद्धांत, दूसरा है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों को समझने से पहले हम एक सिद्धांत को समझ लेंगे जो इन दोनों सिद्धांतों ने माना है। तो हम अगर इसे जानते रहेंगे तो हमें इसे समझने में आसानी होगी। तो यह सिद्धांत है जर्मनी के भूगोलवेत्ता वेगनर महोदय का। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस समय केवल एक महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया महाद्वीप। ये आपने सुना होगा कि सुपर पैंजिया महाद्वीप था और इसके चारों तरफ जो महासागर था उसका नाम था पैंथालसा महासागर, पैंथालासा मिलता है। तो जो महासागर था उसका नाम था पैंथालासा और जो पैंजिया था वो था एक महाद्वीप। इसके बाद कई करोड़ों वर्ष बाद पैंजिया महाद्वीप का खंडन हुआ। यह दो भागों में टूट गया। पैंजिया जब दो भागों में टूटा तो इसके उत्तर वाले भाग को, जब यह दो भागों में टूट गया तो पैंजिया का एक भाग उत्तर में हो गया, एक भाग दक्षिण में हो गया। तो जो उसका उत्तर वाला भाग था इसका नाम दिया गया अंगारा लैंड। का नाम दिया गया अंगारा लैंड। और इसके दक्षिण वाले भाग को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। इस प्रकार वेगनर महोदय ने बताया कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। इसके बाद जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में टूट गए तो बीच में एक लंबी कम चौड़ी और छिछली, लंबा कम चौड़ा और छिछला सागर आ गया। जब ये टूट जाएगा बीच में स्थान खाली हो जाएगा, बगल का जो पानी होगा, जो जल होगा, इधर से अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार यहां पे एक सागर का निर्माण हुआ जिसका नाम दिया गया टेथिस सागर। इस प्रकार उन्होंने बताया महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। फिर यह अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कई भागों में टूट गए। जैसे अंगारा लैंड से अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड बना। गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका बना, अफ्रीका महाद्वीप, प्रायद्वीपी भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यह था वेगनर का सिद्धांत। इसे आप समझते रहिए, अभी आगे जो सिद्धांत होगा उसमें इसका काम होगा, ये समझने में हमें आसानी होगी। अब हम देखते हैं भूसन्निधि सिद्धांत। दो सिद्धांत है हिमालय उत्पत्ति के, एक है भूसन्निधि सिद्धांत और एक है प्लेट टेक्टोनिक। सबसे पहले हम देखते हैं भूसन्निधि सिद्धांत के अनुसार कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई। भूसन्निधि सिद्धांत, इसमें बहुत सारे विद्वान है। जैसे इनमें एक महत्वपूर्ण विद्वान का नाम है कोबर महोदय, उन्होंने भी भूसन्निधि के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति बताया। तो भूसन्निधि जो सिद्धांत है उसमें यह बताया गया कि लगभग आज से 70 करोड़ वर्ष पूर्व मेसोजोइक काल में, ये जो अंगारा लैंड था और ये गोंडवाना लैंड, इसमें बहुत सारी नदियां बहती थी, अपने साथ मलबों को लाके इसमें जमा करती थी। करोड़ों वर्षों तक यह नदियां अपने साथ मलबों को लाती रही और इस सागर में जमा करती रही। जिस प्रकार से यह लंबा छिछला जो सागर था वह मलबों से भरता चला गया और मलबा इतना ज्यादा होता चला गया कि इसकी पेटी जो थी वह नीचे की तरफ धंसने लगी, अर्थात इसकी जो मोटाई है, जो गहराई थी वह बढ़ने लगी। इस प्रकार जो टेथिस सागर था वह पूरी तरह मलबों से पट गया।
फिर वही 70 करोड़ वर्ष बाद 70 करोड़ वर्ष पूर्व आज से 70 करोड़ वर्ष पूर्व मेसोजोई काल में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड इन दोनों लैंड में संपीडन हुआ। संपीडन कई चरणों में हुआ जिसके फलस्वरूप यह मलवा वलित हो गया और हिमालय का निर्माण हुआ या हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो उन्होंने बताया कि ये जो इसका संपीडन हुआ यह कई चरणों में, जैसा कि जो इसका पहला चरण था, पहले चरण में यह क्रिटेटस काल है उसमें हुआ पहला चरण, दूसरा चरण इसके बाद हुआ, तीसरे चरण में बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस चरण में या किस काल में हिमालय ने पूरी तरह ऊंचाई को प्राप्त कर लिया था। तो तीसरे चरण में मायोसीन काल में, तीसरे चरण के मायोसीन काल, कौन सा काल? मायोसीन काल में हिमालय ने अपनी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी और यह पांचवें चरण में अंतिम रूप से पूरी तरह हिमालय बनके तैयार हो गया। यह पांचवा चरण था प्लिस्टोसीन काल, कौन सा काल? प्लिस्टोसीन काल में यह पूरी तरह हिमालय अपने रूप को धारण कर चुकी थी। इस प्रकार भूसन्नति सिद्धांत ने हिमालय की उत्पत्ति बताया। मायोसीन काल में उसने अपनी पूरी ऊंचाई प्राप्त कर ली, प्लिस्टोसीन काल में पूरी तरह से हिमालय जो आज है वह पूरी तरह वैसा हो चुका था। यह हो गया हमारा भूसन्नति सिद्धांत। अब हम इसके बाद देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत सन 1960 में आया, हैरी हेस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया, उन्होंने भी यह माना कि आज से लगभग 70 करोड़ वर्ष पूर्व एक सुपर महाद्वीप पेंजिया था, उसके बाद आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पूर्व अर्थात उस समय से 15 करोड़ वर्ष बाद पूर्व कैम्ब्रियन काल में यह दो भागों में टूट गया। जो मैं आपको काल बता रहा हूं, मायोसीन काल, प्लिस्टोसीन काल, यह भूगोल का एक चार्ट है जो भौगोलिक काल को दर्शाता है। यह चार्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में मिलेगा। आप टेलीग्राम पे जाइए और बिना स्पेस के आप दुर्गेश सर, आप बिना स्पेस के दुर्गेश सर सर्च करिएगा, आपको एक चैनल मिलेगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, वहां पे वो ग्रुप है हमारा, वहां उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। आपको महत्वपूर्ण नोट जो होते हैं हमारे चैनल के वह इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल इन लर्निंग विद दुर्गेश में जल्द ही लोअर पीसीएस की क्लास चलेंगी, जो मेरे बड़े छोटे भाई हैं वो इसे देखें और मन से पढ़ें, बहुत टफ नहीं है, आपको हमारी टीम की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी, अच्छे टीचरों से आपका मार्गदर्शन कराया जाएगा और मैं आशा करता हूं कि आप सफल होंगी उसमें। तो चलिए बात की बात है, इसके लिए एक अलग वीडियो होगा। वैसे दुर्गेश सर ने आपके लिए एक वीडियो डाला है कि उसका सिलेबस क्या है, कितनी वैकेंसी है, उसे आप देख लीजिए। चलिए तो हम आते हैं इस पे, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पे। तो आज से लगभग 70 करोड़ वर्ष पूर्व बताया कि एक पेंजिया सुपर महाद्वीप था और 55 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्व कैम्ब्रियन काल में यह दो भागों में टूट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, यह दो भागों में टूटा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। फिर इन्होंने यह भी माना कि इनसे, इन दोनों महाद्वीप से बहुत सारी नदियां निकलती थी जो जाकर तेथिस सागर में अपना जल गिराती थी और यह मलबों से भर गया। तेथिस सागर में अपना जल गिराती थी और यह पूरी तरह मलबों से भर गया। लेकिन इन्होंने इस सिद्धांत पे यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया और बताया कि, और उन्होंने बताया कि आज से लगभग 1000 लाख वर्ष पूर्व यह अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड यह कई भागों में टूटा और अलग अलग महाद्वीप बने। जैसे उन्होंने बताया अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड द्वीप, एशिया और यूरोप अर्थात यूरेशिया महाद्वीप का निर्माण हुआ और 1000 लाख वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड में भी विभाजन हुआ और इससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण हुआ। और फिर यह जो तेथिस सागर का मलवा था आज से लगभग 700 से 800 लाख वर्ष पूर्व वह वहां पे विद्यमान था,
और इस सिद्धांत में यह बताया गया कि जितने भी महाद्वीप थे वह प्लेट, उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर प्लेटें हैं जिसपे महाद्वीप विद्यमान है और यह प्लेटें सदैव चलायमान होती है। उन्होंने बताया कि 6 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। इस प्लेट जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, एशियन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, एक अफ्रीकन प्लेट है और एक जो महासागर है प्रशांत महासागरीय प्लेट है। कुल छोटे छोटे प्लेट हैं, 20 छोटे प्लेट हैं और 6 बड़े प्लेट हैं। ये सदैव चलायमान रहते हैं। जब यह टूट गया, कई भागों में टूट गया, तो जो भारतीय प्लेट था, जो भारतीय प्लेट था यह 300 से 400 लाख वर्ष पूर्व यहां से चलना प्रारंभ हुआ और एशिया प्लेट की तरफ अर्थात उत्तर पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ हुआ। यह प्रतिवर्ष 12 से 18 सेंटीमीटर उत्तर पूर्व की तरफ खिसकता था और धीरे धीरे लगभग 300 से 400 लाख वर्ष बाद यह एशिया महाद्वीप के पास पहुंच गया जहां पे 33 सागर का मलबा था और इसका 33 सागर के मलबों से टकराव हुआ। उधर से एशिया महाद्वीपीय प्लेट और इधर से भारतीय प्लेट दोनों में टकराव हुआ और मलबा वलित हो गया जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। जैसे यदि हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं जैसे ये मान लीजिए ये यहाँ पे बीच में मलबा था, इधर से भारतीय प्लेट आ रहा है, इधर से ये एशियन प्लेट है। जब ये दोनों टकराएगा अब बीच का मलबा ऐसे उड़ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा हिमालय। तो यह कई चरणों में हुआ। इस प्रकार इन्होंने भारतीय प्लेट का एशिया प्लेट से टकराने में हिमालय की उत्पत्ति को समझाया। तो ये था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति। अब हम देखते हैं हिमालय का विभाजन, हिमालय का विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, उसकी प्रमुख चोटियां कौन सी हैं, कितने भागों में है, कितने राज्यों में है, किन किन देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तलवार की भांति, भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तलवार की भांति फैली एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र में जो पर्वत है उसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व, हाँ, जो हिमालय है यह पश्चिम से पूर्व फैली इस प्रकार, पश्चिम से पूर्व अर्थात वेस्ट टू ईस्ट फैली विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। जैसे हम करें अगर एंडीज और राकीज तो वो उत्तर से पूर्व, उत्तर दक्षिण है, नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन ये वेस्ट टू ईस्ट है। तो इस प्रकार पश्चिम से पूर्व फैली पर्वत श्रृंखला में हिमालय सबसे बड़ी पर्वत है। याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व सबसे लंबी है, उत्तर से दक्षिण नहीं। तो इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व 2400 किलोमीटर तक है। अब सभी पॉइंट को आप नोट करिए, इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व 2400 किलोमीटर है, पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार 2400 किलोमीटर है। यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। हिमालय जो क्षेत्रफल को घेरता है वह 5 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसका विस्तार उत्तर से पूर्व 2400 किलोमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई अधिक है, पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि पूर्व में इतना ज्यादा है, पश्चिम में बहुत पश्चिम में ज्यादा है और पूर्व में बहुत कम है। तो इस प्रकार इसकी जो चौड़ाई है वह 160 किलोमीटर से लेकर समथिंग 400-450 किलोमीटर तक है। ये चौड़ाई 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। यदि इसकी हम औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है अर्थात 6 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, चौड़ाई 160 से 450 या 400 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। अब हम देखते हैं हिमालय का वर्गीकरण। तो हिमालय को हम 4 भागों में बांटते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। पहले भाग को जो हम आमतौर पर नहीं जानते हैं उसे बोला जाता है ट्रांस हिमालय या पार का हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या पार का हिमालय। उसके बाद आता है हमारा बृहद हिमालय या महान हिमालय,
तो अगला हो गया हमारा महान हिमालय या हिमाद्री। इसके बाद हिमालय के महान हिमालय के दक्षिण में है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय सबकी विशेषता हम अलग अलग पढ़ेंगे। लघु हिमालय के बाद आता है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक सबसे नवीन पर्वत है। हिमालय एक नववलित सबसे नवीन मोड़दार पर्वत है। हिमालय सबसे नवीन वलित पर्वत है शिवालिक श्रेणी। तो इस प्रकार हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। मैं आपको दिखाऊं ट्रांस हिमालय में तीन पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ट्रांस हिमालय में तीन पर्वत श्रेणियां शामिल होती हैं, एक दो और तीन, जिसे हम कहते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। इन श्रेणियों के नाम आप लिखिएगा। ये जो श्रेणी है ये है क्या, काराकोरम, यहां लिखा नहीं हुआ, यह काराकोरम, यह श्रेणी है लद्दाख और यह श्रेणी है जास्कर। ये नीले कलर से तीन श्रेणियां ऊपर दिखाई गई है। ये है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में तीन पर्वत श्रेणियां आती हैं। एक हो गया काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, लद्दाख के दक्षिण में जास्कर श्रेणी। तो हम चलिए इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं, फिर हम महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी की विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो हम बात करें यदि तो ट्रांस हिमालय में तीन पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें पहला पर्वत श्रेणी है हमारा काराकोरम। काराकोरम हम सबसे पहले काराकोरम ला लेते हैं। तो काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। यहां पे भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टिन केटू है। देखिए यहां पे चिन्ह दर्शाया गया है केटू, गाडविन आस्टिन केटू। वर्तमान समय में यह पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत है केटू। इसकी ऊंचाई जो है, इसकी जो ऊंचाई है वह है 8611 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई जो है वह है 8611 किलोमीटर। काराकोरम श्रेणी में केटू जो इसकी पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई है 8611 किलोमीटर। अब जब इतनी ऊंचाई विस्तृत होता है तो यहां तापमान कम होगा, तो यहां पे बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। जैसे इसमें महत्वपूर्ण ग्लेशियर नाम देखिए, जैसे एक है ससाइमी ग्लेशियर, ससाइमी ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है, अगला बाल्टोरा ग्लेशियर है, फिर सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन में हमारे भारतीय सैनिक रहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, ससाइमी, हिस्पर, बाल्टोरा, सियाचिन ग्लेशियर महत्वपूर्ण है। तो काराकोरम श्रेणी पे ये चार पांच ग्लेशियर हैं। काराकोरम श्रेणी की सबसे जो सबसे उत्तर में है, यहां पे भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टिन केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में एक श्रेणी है जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के सबसे पश्चिम में एक है राकापोसी, राकापोसी श्रेणी है। राकापोसी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, याद रखिएगा। प्रश्न पूछता है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी कौन सी है, तो वह है राकापोसी, जो लद्दाख श्रेणी की एक चोटी है। यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। लद्दाख के दक्षिण में है जास्कर श्रेणी। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच में है, तो देखिए यहां दर्शाया गया है हरे कलर के हेडिंग से। सिंधु नदी यहां से निकलती है, चेमा यंगलुंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत से, और यह लद्दाख और जास्कर से बीच से प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, फिर जाके यह अरब सागर में गिर जाती है। जब हम नदी पढ़ाएंगे भारत की नदियां तो उसमें हम इसका जिक्र करेंगे। लेकिन यह प्रश्न पूछता है कि सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच में है, तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में है। देखिए यहां पे एक आपको रेड कलर की डॉट दिख रही होगी, यह है लेह। यह पूछा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया था कि लेह सिंधु नदी के किस तट पे है, बाएं तट पे या दाएं तट पे। तो अगर हम इधर देखते हैं तो लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पे है। तो यह हमारा हो गया पार का हिमालय। हिमालय का हमने चार भागों में बांटा, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। और जिसमें हमने देखा कि काराकोरम
ट्रांस हिमालय में सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी है, उसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है, उसके दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी के दक्षिण में आता है हमारा महान हिमालय। तो एक कूट बना दिया जाता है, जैसे ऐसे दे देगा एग्जाम में, ऐसे चित्र बना रहेगा, एक दो तीन चार, यहां पे आपको भारत का नक्शा ऐसे दिया रहेगा, ये हमारा कश्मीर है, तो इसमें ऐसे श्रेणी बना देगा एक दो तीन और चार, और नीचे कूट में नाम दे देगा। जैसे एक नंबर पे दे दिया हमारा क्या जास्कर मान लीजिए दे दिया, नंबर दो पे दे दिया काराकोरम, तो ये गलत हो गया। हम जानते हैं कि एक नंबर पे काराकोरम है, दो नंबर पे लद्दाख है, तीन नंबर पे जास्कर है, चार नंबर पे महान हिमालय है। तो ऐसे कूट बना के पूछता है। फिर देखिए लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है, इसके दाहिने तट पे हमारा लेह है, लद्दाख श्रेणी की सबसे एक चोटी है जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल चोटी है, जिसे हम जानते हैं राकाकोसी के नाम से, और गाडविन आस्टिन केटू जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर है। तो ये हमारा हो गया ट्रांस हिमालय। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, इसमें हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय चैप्टर लंबा होगा, इसमें आपको कई पार्ट में वीडियो मिलेंगे, और मैं जितना बोल रहा हूँ आप उसे लाइन टू लाइन लिखते जाइए। हमने आपसे वादा किया है कि भूगोल से संबंधित प्रश्न एग्जाम में 90-95% आप सॉल्व करके आएंगे, ये वादा पूरा होगा हमारा आपसे। जय हिंद, जय भारत।